Hello students, today we are going to learn importance of light in photosynthesis. लेकिन हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस में क्या रोल प्ले करता है या कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. हम ये भी जानेंगे कि लाइट के इंटेंसिटी का, लाइट सोर्स से प्लांट के डिस्टेंस का और लाइट के कलर का फोटोसिंथेसिस पर क्या असर पड़ता है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सिमुलेशन. द फर्स्ट वन लेट्स लाइक, और हाँ, हम लोग फोटोसिंथेसिस किस रेट में हो रहा है ये जानने के लिए यहाँ इस बीकर से निकलने वाले बबल्स को काउंट करेंगे. ओके, सो इन द फर्स्ट केस वी हैव गॉट 40 वॉट्स, दैट्स द पावर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द पावर सोर्स. और ये जो है पावर सोर्स से डिस्टेंस हो गया और पहली बार के लिए हमने जो है क्लियर कलर जो है वो यूज किया है लाइट का. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट. So, total four bubbles were formed in a duration of 1 minute 3 seconds, right? अब जो है हम क्या करते हैं कि पहले जो है हम पावर सोर्स की इंटेंसिटी को चेंज करके देखते हैं. दिस टाइम वी हैव गॉट 100 वॉट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी अगेन. इस बार हम देखते हैं कि 1 मिनट 3 सेकंड्स में 7 बबल्स फॉर्म होते हैं, जबकि 50 वाट में हमने कितना देखा था, सॉरी 40 वाट में 4 बबल्स फॉर्म होते हुए. अब जो है हम एक काम करते हैं कि डिस्टेंस का क्या असर होता है वो देख लेते हैं. और इस बार हम लोग जो है 50 की जगह पर 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं लाइट सोर्स को. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस. हम क्या देखते हैं, 1 मिनट 1 सेकंड के ड्यूरेशन में 5 बबल्स फॉर्म होते हैं, यानी कि लाइट सोर्स से जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है प्लांट का तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो स्लो हो जाता है. अब जो है हम एक काम करते हैं कि हम डिस्टेंस को 100 वॉट और इंटेंसिटी को भी 100 वॉट पर ही रखते हैं और डिस्टेंस को भी 100 सेंटीमीटर पर रखते हैं. अब जो है हम लाइट के कलर को चेंज करके और उसका क्या असर होता है वो ऑब्जर्व करते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक रेड. अब देखते हैं कि रेड 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 जब लाइट का कलर होता है तो इन दैट केस 1 मिनट 3 सेकंड्स में 6 बबल्स फॉर्म होते हैं. अब रेड की जगह पर हम ग्रीन कलर ट्राई करके देखते हैं. और हम देखते हैं कि ग्रीन कलर के केस में फोटोसिंथेसिस अचानक से स्लो हो जाता है. 1 मिनट 7 सेकंड्स में टोटल 3 बबल्स ही फॉर्म होते हैं. नाउ लेट्स ट्राई विद अनदर कलर, ब्लू. और हमने देखा कि ब्लू कलर में 1 मिनट 3 सेकंड के ड्यूरेशन में 9 बबल्स फॉर्म होते हैं, यानी कि ब्लू कलर में सबसे ज्यादा तेज फोटोसिंथेसिस होता है और ग्रीन में सबसे स्लो, राइट? इस तरीके से हमने अभी के इस सिमुलेशन में ये देखा कि कैसे पावर सोर्स का फोटोसिंथेसिस के रेट पर असर पड़ता है, डिस्टेंस फ्रॉम द पावर सोर्स का फोटोसिंथेसिस पर असर पड़ता है, कलर ऑफ द लाइट का जो है फोटोसिंथेसिस के रेट पर असर पड़ता है, राइट? थैंक यू.